नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल पर दोस्तों स्वागत है। सुरेश रैना क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अपने बयान की वजह से इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। बयान क्या दिया है, इस पर दोनों तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव क्या आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सुरेश रैना ने क्या कहा है ये भी जानना जरूरी है। सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरी और MS धोनी की कहानी एक जैसी है, मैं भी छोटे से शहर से आया हूँ यानी कि गाजियाबाद से, जबकि MS धोनी रांची से आए हैं और हम दोनों ने टीम इंडिया के लिए खेला और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइज के साथ लंबे समय तक हम लोगों ने क्रिकेट खेला है। जहां तक क्रिकेट की बात की जाए तो मैंने हमेशा से पहले MS धोनी के लिए खेला, फिर अपने देश के लिए खेला है। MS धोनी एक शानदार लीडर रहे हैं और बेहतरीन इंसान भी है और उनके साथ मेरा स्पेशल कनेक्शन रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सुरेश रैना ने उसी दिन संन्यास लिया था जिस दिन MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था, यानी 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है MS धोनी ने हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। और ठीक तुरंत बाद ही सुरेश रैना ने भी ऐलान कर दिया कि वह अब से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब IPL में भी नहीं खेलेंगे, ऑल फॉर्मेट से जो है सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है। रैना के इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के और बोल रहे हैं कि ये कैसा आदमी है, कैसा ये खिलाड़ी है जो MS धोनी को पहले रखता है और देश को बाद में रखता है। एक खिलाड़ी की ये पहचान होनी चाहिए कि वो कुछ भी हो जाए सबसे पहले अपने देश के लिए खेले, बाद में वो किसी कप्तान खिलाड़ी के लिए वो खेले। और जबकि कुछ सुरेश रैना के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि रैना ने जो बयान दिया है इसमें उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, वह ये बताना चाह रहे थे कि धोनी के साथ जो है उनका स्पेशल बॉन्डिंग रहा है। खैर, बयान के तो दो पहलू होते ही हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। आप किस तरीके से सुरेश रैना के इस बयान को लेना चाहते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।